इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस के सैनिकों पर फिरौती मांगने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि रूस के सैनिक जंग में गिरफ्तार किए यूक्रेन के बंदियों को छोड़ने की एवज में उनके घर वालों से मोटी रकम की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया में रूसी फौज की तुलना आतंकी संगठन ISIS से होने लगी, जिसका सबूत था ये वीडियो। दावा किया गया कि इसमें दिखने वाले शख्स को रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान बंदी बनाया और उसे छोड़ने के बदले पैसे की मांग की, जिसके बारे में वो वीडियो में खुद ही बात करता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने ये वीडियो उस कैदी की मां को भिजवाया और 5000 यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4 लाख रुपए की मांग की। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर अगले सोमवार तक उन्हें पैसे नहीं मिले तो उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जिसके बाद पश्चिमी देशों के मीडिया चैनलों ने रूस के फौजियों को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बताया। उधर युद्ध के बीच स्मार्टफोन से यूक्रेन के एक सैनिक की जान बचने का वीडियो सामने आया, हालांकि ऐसा कहां हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें यूक्रेन के एक सैनिक के स्मार्टफोन के कवर में गोली फंसी दिखी। उस वीडियो में वो फौजी अपने किसी साथी से बातचीत करता नजर आया, जिसे वो अपना मोबाइल दिखाकर ये दावा करता दिखा कि उसने जो मोबाइल कवर अपने फोन की सुरक्षा के लिए लगाया था उस कवर ने रूस की गोली से उसकी जान बचा ली। दोनों की बातचीत के दौरान पीछे से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। गोली घुसने से स्मार्टफोन का वो कवर फट गया, मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो गई, लेकिन यूक्रेन के उस सैनिक की जान बच गई। तस्वीरों में वो दोनों लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी बड़े पेड़ के तने की आड़ में दिखे।